गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 4 योर 4 हेल्थ. ओके, दिस इज रीड 2. वी हैव कंप्लीटेड रीड 1 एंड दिस इज रीड 2. ओके, वी हैव सीन टू पार्ट्स ऑफ दिस लेसन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3. सूर्य नमस्कार हम देख रहे थे, तो सूर्य नमस्कार के हमने कुछ आई थिंक दो पार्ट देखे थे कि स्टार्टिंग के दो स्टेप्स हमने देखे थे. थर्ड स्टेप्स हम स्टार्ट करते हैं. थर्ड स्टेप्स मुझे याद नहीं है, मैं करवाया था कि नहीं करवाया था, बट मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ. बैंड फॉरवर्ड एंड प्लेस योर पाम्स एट द साइड ऑफ योर फीट. अब क्या करना है, हमने देखा था फर्स्ट स्टेप में क्या देखा था कि हाथों को जोड़ के बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, और सेकेंड स्टेप में क्या देखा था, हाथों को जोड़ते हुए ऊपर की तरफ हाथों को ले जाना है और पीछे की तरफ झुकाना है. ओके, अपना जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या बोला गया है, बैंड फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ झुकना है. एंड प्लेस योर पाम्स एट द साइड ऑफ योर फीट, और आपके जो पैर हैं उसके साइड में आपके दोनों हाथों को रखना है इस प्रकार से. ओके, जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो थर्ड स्टेप बिल्कुल इस प्रकार से करना है. ओके, पाम फॉर्म ऑन द ग्राउंड. ओके, तो हाथों को जमीन पर रखना है, पैर के दोनों साइड में. रेज योर हेड एंड इनहेल, फिर क्या करना है, अपने हेड को सर को ऊंचा करना है और इनहेल करना है, यानी सांस को अंदर भरना है. अब इसे क्या फायदा होता है, एक्सरसाइज स्पाइन, strengthen hands and raised muscles. तो क्या होगा, आपकी जो स्पाइन है यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसे कसरत प्रदान होगी, आपके जो हाथ और कलाई है उसके स्नायु को क्या प्राप्त हो, उसके स्नायु मजबूत होंगे. स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत होना. ठीक है, तो हाथ और कलाई, रिस्ट यानी क्या होता है कलाई, इसकी जो भी मसल्स हैं, जो स्नायु हैं वो कैसे होंगे, मजबूत बनेंगे. तो कहाँ से कहाँ पहुँचते, ओके, हम थर्ड पे थे ना. ओके, बैंड फॉरवर्ड, फिर से स्टार्ट करती हूँ. बैंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ क्या करना है, आपको झुकना है, जो आपके पाम से हथेलियों को क्या करना है, आपके आपके जो पैर है उसको साइड से पीछे बाजू में रखना है. टच योर नी विथ फॉरवर्ड फॉरहेड एंड एक्सहेल डीपली. अब क्या करना है, जो आपका फॉरहेड है वो आपके नी को टच होना चाहिए, आपका सर किसको टच होना चाहिए, घुटनों को टच होना चाहिए, और एक्सहेल डीपली और धीरे से सांस बाहर निकालना है. अब इसके क्या फायदे हैं, प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो रक्त स्राव की जो भी क्रिया होती है, ब्लड सर्कुलेशन जो भी होता है, ओके, रक्त परिभ्रमण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, प्रमोट्स करता है, उसको बढ़ाता है. टॉन्स एब्डोमिनल ट्रैक्स, यानी पेट के जितने भी क्षेत्र हैं उसको क्या करता है, टॉन्स यानी कि उसको कसरत प्रदान करता है. स्ट्रेचेस बैक एंड लैग मसल, और पांव पैर और बैक यानी कि पीछे की जो पीठ की हड्डी है उसको क्या करेगा, मसल्स को कसरत, उसको तनाव उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, उससे कसरत प्रदान होगी. स्टिमुलेट स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, तो जो मेरु तंत्र है उसमें क्या करेगा, वृद्धि करेगा, उसको और लवचिक बनाएगा. एंड स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लसिका तंत्र को भी मजबूत करता है. अब फोर्थ स्टेप देख लेते हैं, टेक वन लेग बैक. अब क्या करना है, आगे हो गए हैं इस प्रकार से, अभी किस पोजीशन में है, दोनों हाथ आगे की तरफ है, पूरी तरह झुके हुए हैं. ओके, तो अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप में एक पैर को पीछे ले जाना है. देखो यहाँ पर फोर्थ स्टेप में दिखाई दे रहा है, एक पैर पीछे, ओके, इस प्रकार से विथ पाम्स फर्म ऑन द ग्राउंड, और हाथ उसी प्रकार से जमीन पर लगे हुए होने चाहिए, इससे पैर पीछे जाना चाहिए. रेज योर हैंड हेड एंड इनहेल, और क्या करना है, अपने सर को ऊपर ले जाना है और जोर से सांस अंदर भरनी है. एक्सरसाइज स्पाइन, अब इसके फायदे मैं बता रही हूँ. एक्सरसाइज स्पाइन, स्ट्रेंथन्स हैंड एंड रेज मसल, इससे क्या मसल्स, इससे क्या होगा, जो स्पाइन यानी जो पीठ की हड्डी है उसमें कसरत प्रदान होगी और हाथ और कलाई के जो स्नायु हैं वो मजबूत बनते हैं. ओके, ये हुए फोर्थ स्टेप. अब आगे देखते हैं फिफ्थ स्टेप को.
ब्रिंग द लैग दैट वॉज इन फ्रंट टू द नेक्स्ट वन एंड कीप द हिप्स ऑफ द फ्लोर विथ योर बॉडी सपोर्टिंग द बॉडी इन अ पुश पोजिशन एंड एक्सेल। तो क्या करना है, जिस प्रकार से हम एक पैर पीछे लगे थे ना, अब दूसरे पैर को पीछे ले जाना है। ओके, तो देखो फिफ्थ स्टेप में दिखाई दे रहा है आपको, दोनों पैर पीछे हैं, तो इस प्रकार से पैर को पीछे ले जाना है एंड कीप द हिप्स ऑफ द फ्लोर, और अपना जो हिप्स है एकदम है उसको जमीन से ऊपर रखना है। बोथ ऑफ योर हैंड, दोनों हाथ से आपको सपोर्ट करते हुए, और बॉडी को किस प्रकार, किस पोजिशन में रखना है, पुशअप की पोजिशन में। देखो फिफ्थ जो है वो पुशअप की पोजिशन है। ओके, बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको रखना है फिफ्थ स्टेप में, और क्या करना है, एक्सहेल और सांस बाहर निकालनी है। अब इसके क्या फायदे देख लेते हैं, स्टिम्युलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो रुधिराभिसरण की जो प्रक्रिया है, जो रक्त के जो परिभ्रमण की प्रक्रिया है उसे बढ़ाएगा, स्ट्रेंथन्स द हार्ट, आपके दिल को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन्स रिस्ट एंड आर्म्स मसल, और क्या करेगा, हाथ और कलाई की जो स्नायु है उसे मजबूती प्रदान करेगा, रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन, और क्या, गले और कंधे का जो तनाव है उसे उससे आराम मिलेगा, उससे राहत मिलेगी। ये हुए पांच स्टेप। अब सिक्स स्टेप देख लेते हैं, लोअर योर नीज। अब सिक्स स्टेप में क्या करना है, अपने घुटने को थोड़ा नीचे ले जाना है, चेस्ट फॉरहेड विथ योर पाम फर्मली ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू योर चेस्ट एंड एल्बो बेंट फॉरवर्ड अपवर्ड्स। ठीक है, तो अभी स्टेप में क्या करना है, जो आपकी बॉडी को यानी पूरे पोस्चर को क्या करना है, नीचे की तरफ जमीन पे ले करके आना है। देखो यहाँ पे सिक्स स्टेप में जो पुशअप की पोजीशन में थे फाइव में, अब सिक्स में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ओके, दिखाई दे रहा है सिक्स में जमीन पर। ओके, इस प्रकार से करना है, और क्या पोजीशन होनी चाहिए, चेस्ट एंड एल्बो बेंट अपवर्ड्स। ठीक है, तो जो आपकी जो एल्बो है यानी कोहनी है वो क्या होनी चाहिए, अपवर्ड, थोड़ी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, कोहनी नीचे टच होनी नहीं चाहिए। होल्ड योर ब्रेथ हियर, यहाँ पर अपनी सांस को क्या करना है, रोक के रखना है। अब इससे क्या फायदे होते हैं, स्ट्रेंथन्स लेग एंड आर्म्स मसल्स, जो पैर है और हाथ है उसकी जो मसल्स हैं, स्नायु है, उसको क्या होता है, मजबूती प्रदान होती है, मजबूती मिलती है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इन नेक एंड शोल्डर्स, गले और कंधे में क्या होती है, लवचिकता आती है, स्ट्रेचेस आर्म्स, हाथ को खिंचाव मिलता है, और शोल्डर नेक और बैक मसल्स, इन सभी के मसल्स को क्या मिलता है, खिंचाव मिलता है, एक्सरसाइजेस बैक मसल्स, पीछे की जितने भी स्नायु हैं उनको कसरत मिलती है, रिलीज टेंशन इन नेक एंड शोल्डर, गर्दन गले पर और कंधे पर से क्या हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है, उसमें राहत मिलती है। लोअर योर वेस्ट एंड रेज अपर बॉडी, क्या करना है इसमें, आपकी जो वेस्ट है कमर को क्या करना है, लोअर थोड़ा नीचे करना है, एंड रेज योर अपर बॉडी, और आगे के भाग को क्या करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। सेवन स्टेप में देखो, है ना, इस प्रकार से है, आगे का जो पोर्शन है हमारे बॉडी का वो ऊपर है, और पीछे का भाग पूरा हमें जमीन पे ही रहने दिया है। इस प्रकार से लुक अपवर्ड्स एंड कीप योर आर्म स्ट्रेट, और आगे की तरफ देखना है, और अपने हाथों को बिल्कुल कैसे रखना है, स्ट्रेट, सीधा रखना है। Then inhale at slow pace. अब क्या करना है? बहुत ही धीरे से सांस लेनी है। Stimulates circulation to abdominal organs. यानी पेट के जितने भी organs हैं, जितने भी भाग हैं, उनको क्या होगा? उसमें वृद्धि होगी, यानी उसको कसरत प्रदान होगी। Tons digestive tract. यानी पाचन क्रिया जो भी है, पाचन के जो भी रास्ते हैं, उसको कसरत प्रदान होगी। स्ट्रेचेस अपर एंड लोअर बॉडी, ऊपर की जो हमारी बॉडी है और नीचे की जो बॉडी है उसको खिंचाव मिलेगा। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैक, यानी कि पीठ में क्या होगा, पीठ के भागों में लवचिकता आएगी। एंड स्टिम्युलेट्स नर्व्स इन स्पाइन, और चेता तंत्र जो है पीठ के जो जितने भी तंत्र हैं उनको
उसमें क्या होगा, उसमें काफी वृद्धि आएगी, यानी हर तरीके से कसरत प्रदान होगा। रेज योर हिप्स, आज इसको पूरा ही कर देते हैं। 8 स्टेप देख लेते हैं। अब क्या करना है 8वें स्टेप में, देखो यहाँ पर 8वां स्टेप जो है बिल्कुल इस प्रकार से, जो त्रिकोणासन बनता है इस प्रकार से बनाना है। तो कैसे करेंगे हम स्टेप देख लेते हैं, वो किस प्रकार से होंगे। रेज योर हिप्स, अब अपने हिप्स को क्या करना है, ऊपर ले जाना है। एंड ब्रिंग योर हेड टू द फ्लोर विद आईज टू द ऑन द नेवल। अब क्या करना है, हेड को जमीन पे ही रहने देना है, सिर्फ हिप्स को ऊपर ले जाना है। और हमारी आंखें इस प्रकार से होनी चाहिए कि हम हमारे पेट को देख सके। एंड हील ऑन द फ्लोर, और पैर जो है, पैर की जो हील है वो जमीन पे ही होनी चाहिए। दिस पोजिशन विल एक्जेक्टली लुक लाइक इन इनवर्टेड वी देन एक्सहेल। तो ये कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल वी की तरह ही दिखाई देगा, वी का जो शेप होता है उस प्रकार से। और फिर क्या करना है, सांस बाहर निकालनी है। ये क्या करेगा, इससे क्या फायदे मिलते हैं, स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो भी रक्त परिभ्रमण की जो प्रक्रिया है उसको, उसमें उसमें तेजी होती है, उसमें तेजी आती है। स्ट्रेंथन्स द हार्ट, आपके दिल को मजबूत बनाता है। स्ट्रेंथन्स रिस्ट एंड आर्म मसल, तो कलाई और हाथ की जो भी स्नायु है उसको मजबूती प्रदान करता है। रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन, गले और कंधे की जो भी कंधे का जो तनाव है उसे, उसमें राहत मिलती है। अब 9 स्टेप जो है, इन दिस स्टेप द पोजीशन इज द सेम एज द 4th स्टेप एंड एक्सहेल। जो 4th स्टेप में जो पोजीशन थी ना, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें पोजीशन हो जाएगी। 4th स्टेप क्या था, एक पैर इसमें पीछे था ना, पीछे हम ले गए थे एक पैर को, और अब इसमें सेम वैसे होगा। हम किस पोजीशन में हैं, देखो हमने तो देखा था पोजीशन वो इस प्रकार का था, वी वाला। अब वी की शेप से क्या करना है, एक पैर को हम आगे की तरफ ले आएंगे तो जो 4th पोजीशन है वो बन जाएगा। ओके, इस प्रकार से करना है आप लोगों को। तो 4th पोजीशन की तरह हमें बिल्कुल इसमें आ जाना है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, 4th स्टेप है तो फायदे भी बिल्कुल उसी प्रकार से होंगे। एक्सरसाइज स्पाइन यानी पीठ की हड्डियों को कसरत प्रदान होगी। स्ट्रेंथन्स हैंड एंड रिस्ट मसल, हाथ और कलाई की जो स्नायु है उसे मजबूती प्रदान करेगा ये कसरत। इन दिस स्टेप द पोस्चर, अब 10th स्टेप देखें, 10वें स्टेप पे आ गए हैं। तो इन दिस स्टेप द पोस्चर इज द सेम एज द 3rd स्टेप एंड इटसेल्फ। अब ये जो पोजीशन है बिल्कुल 3rd स्टेप की तरह होगी। अब मतलब एक पैर पीछे लिया था, अब आगे लिया था, अब 3rd स्टेप में क्या होगा, दोनों पैर आगे आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, 3rd स्टेप की तरह हो जाएगा। 9th स्टेप में क्या था, एक पैर पीछे था एक पैर आगे था। अब 10th स्टेप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल 3rd स्टेप की तरह दोनों पैर आगे की तरफ हो जाएंगे। तो जो हमारा जो 3rd पोजीशन था बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से बन जाएगा। अब इससे क्या फायदा होगा, प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, रक्त परिभ्रमण की प्रक्रिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा, मजबूती प्रदान करेगा। टॉन्स एब्डोमिनल ट्रैक, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से फायदे भी होंगे 3rd स्टेप की तरह, जो पेट के जितने भी क्षेत्र हैं उनको मजबूती, उनको मजबूत करेगा। स्ट्रेचेस बैक एंड लेग मसल्स, पीछे और पैर की जो मसल्स है, जो स्नायु है उसमें खिंचाव होगा। स्टिमुलेट्स स्पाइनल नर्व्स, जो भी हमारे जो भी पीठ की जो भी हड्डियां हैं, जो भी नर्व्स है, जो भी तंत्र है उसमें वृद्धि होगी। स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र में भी वृद्धि होती है। अब 11th स्टेप देख लेते हैं। जो 11th स्टेप है वो किसकी तरह होगा, 2nd स्टेज की तरह होगा। दिस इज द सेम एज 2nd स्टेज, बिल्कुल 2nd स्टेज की तरह, 2nd जो हमने पोजिशन देखा था बिल्कुल उसी प्रकार से। और क्या करना है, सांस अंदर लेना है। प्रमोट्स बैलेंस, ये आपके संतुलन को बढ़ाएगा। प्रमोट्स डाइजेशन, पाचन क्रिया को में वृद्धि करेगा। एक्सरसाइजेस आर्म एंड शोल्डर मसल, हाथ और कंधे की जो भी मसल्स है, जो भी स्नायु है उन्हें कसरत प्रदान करेगा। टॉन्स द स्पाइन, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैक एंड हिप। ठीक है, तो जो नितंब है और जो पीछे की जो भी हड्डियां हैं, जो भी स्नायु है उन्हें क्या करेगा, उसमें वृद्धि करेगा, उसमें लवचिकता प्रदान करेगा।
और जो लास्ट स्टेप है दिस जो 12 नंबर का दिस स्टेज मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ सूर्य नमस्कार. ये सूर्य नमस्कार का फाइनल यानी अंतिम स्टेप है एंड इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट स्टेज. और ये पहला जो स्टेज था बिल्कुल उससे मिलता जुलता है. यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली हियर. यहाँ पर आपको कॉमनली सामान्य रूप से सांस लेनी है. ये क्या फायदा देता है? प्रमोट्स बैलेंस, स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सरसाइज शोल्डर बैक एंड नेक मसल्स. जैसा कि मैंने पहले स्टेप में बताया था उसी प्रकार से सारे इसके भी फायदे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है. इसके आगे हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे. ओके, तो आप लोग को इसका ट्रांजिशन लेते रहना. बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.